इलेक्ट्रिक स्कूटर धड़ाधड़ इंडिया में आते ही जा रहे हैं, तो अभी इस लिस्ट में एक नाम हो रहा है गोग्रो। गोग्रो ये वही कंपनी है जिसने अभी हाल ही में वीडा को लॉन्च करवाया था, यानी कि वीडा को बनाने के लिए एक्चुअल में जिस कंपनी ने हेल्प करी थी वो है गोग्रो। गोग्रो एक ताइवान बेस्ड कंपनी है और आज नहीं काफी लंबे टाइम से ताइवान में स्कूटर को मैन्युफैक्चर कर रही है, और इसके साथ ही इनका अपना एक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशन को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर एक बैटरी स्वाइपिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने पूरे ताइवान में बहुत ही हाई लेवल पर बिछाई हुई है, जिस कारण ताइवान में 60-65% के स्कूटर सिर्फ गोग्रो के ही सेल होते हैं। सेम चीज आने वाले टाइम में आपको हीरो मोटोकॉर्प में भी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर तो सिर्फ बात हुई गोग्रो की। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि गोग्रो नवंबर में इंडिया में आने वाला है। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इंडिया में आपको जल्द ही गोग्रो भी देखने को मिल जाएगा। गोग्रो, अब गोग्रो को लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, देखिए गोग्रो के पास स्कूटर के काफ़ी सारी वैरायटीज हैं। यहाँ पर आपको 30 किलोमीटर से लेकर 189 किलोमीटर तक के स्कूटर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इनके पास रेंज की भरमार है, हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर गोग्रो इंडिया में आती है तो कंपटीशन काफ़ी देखने को मिल सकता है हमें, बिकॉज ये कंपनी काफ़ी टाइम से आने का, सिर्फ यही नहीं ताइवान और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ जो इंडिया में अब आने का प्रयास कर रही हैं धीरे धीरे। देखने वाली बात होती है कि गोग्रो इंडिया में क्या अनाउंसमेंट करता है, कब आता है और किस तरह से अपने नेटवर्क का जाल बिछाता है, बट हाल फिलहाल तो जानकारी यही है कि गोग्रो इंडिया में आने वाला है और इनके पास स्कूटर की काफ़ी सारी भरमार है, वैरायटीज है छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की। तो आप क्या सोचते हैं एक बार नीचे कमेंट कीजिए, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड।